ये अचानक उस कमरे में क्यों चले गए? मेरी पैंट शर्ट प्रेस हो गई? जी हाँ, कपड़े पलंग पर रख दिए। लगता है कल रात को इस कमरे में और कोई भी था। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं कमरे की सफाई करने आई थी। आज के बाद मुझसे बिना पूछे किसी चीज को हाथ मत लगाना। आपके कपड़े जी, आपके पीठ पर निशान। नहीं वो कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं तैयार होके आता हूं। बाकी के पराठे बना लेना। बहू पहले सूर्या को दे। नहीं नहीं माँ, मेरा भी मीठा खाने का मन नहीं है। अरे बेटे, इस घर में खाना बनाने का सबसे पहला शगुन है इसका, थोड़ा तो चख ले।
अच्छी है ना? हाँ माँ, ये बहुत ही अच्छी बनी है। ले बहू, तूने पहली बार घर में खाना बनाया ना, इसीलिए तेरे लिए शगुन है। ले रख ले, ये ले। पता है तू हमारे घर के लिए कितनी लकी है? जब से तेरा रिश्ता मेरे बेटे सूर्या के साथ तय हुआ है, हमारे घर में लक्ष्मी की बरसात होने लगी है और इसकी नौटंकी कंपनी भी चल निकली है। पता है कितने दर्शक आते हैं देखने के लिए? माँ जी, ये तो सिर्फ इनकी मेहनत और काबिलियत की वजह से। अरे नहीं नहीं, माँ ठीक कह रही है। जब से हमारा रिश्ता हुआ है ना, हमारी नौटंकी मंडली को बहुत बुलावे आ रहे हैं। और आज रात को ना हम एक स्पेशल नाटक करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ माँ के साथ तुम भी आओ। जी। तो इसी के साथ शुरू होता है हमारा नाटक। बच्चों देखो, ये है अ, आ, ई, और ई के बाद क्या होता है? हर्षी। हर्षी, बहुत बढ़िया। हर्षी, उ, दीदी। अरे मीरा, तुम तो मेरी बहन को अपने छात्राओं को पढ़ाने के बीच में वक्त मिल गया। इसका सारा श्रेय जीजा जी को जाता है। उन्होंने खुद इनवाइट किया मुझे यहाँ आने के लिए। अरे वाह, तो लगता है जीजा जी और साली में काफी बन रही है। बंद करो ये सब, बंद करो। देखो टीचर जी, ये शिक्षा का अभियान इस गांव में नहीं चलेगा। इस गांव के लोगों को जरूरत है खेती और मेहनत की, स्कूल की नहीं। कैसी घटिया और पुरानी सोच वाली बात कर रहे हैं आप। ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का विकास कैसे होगा? देख, अगर तुझे अपनी जान की फिक्र है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और इस गांव से चली जा, वरना मैं किसी के धमकी से नहीं डरती। कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी तू, समझी? चलो। इस नाटक के मुख्य किरदार में मेरी तरह एक टीचर है। हाँ, जो लोगों से लड़ मरती है। लगता है तुम्हारे जरिए काफी प्रेरित है तुमसे। माया बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और ठाकुर की धमकियों के आगे उसने हार नहीं मानी, तो क्या हुआ उसका अंजाम? आइए देखते हैं आगे। आज इतनी देर क्यों हो रही, बस क्यों नहीं आ रही? कौन है? चलो तुम्हारे जीजाजी से मिलने चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। और बाबा भी आते होंगे मुझे लेने के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं जाती हूँ, वरना वो नाराज हो जाएंगे। तुम आराम से जाना। ठीक है। हाँ आइए माँ जी। चलो। कहाँ रह गए बाबा? मीरा, 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 तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अतीत हूँ। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुझे इस दुनिया से लेने आए हूँ। छोड़ो उन्हें।
ये इतनी रात कहाँ गए हैं? एक औरत देर रात सुनसान सड़क पर निकलती है। उसका मन घबरा रहा है, वो डर रही है, फिर भी उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, कल पूरी पढ़ता हूं। चद्दर पे इतना सारा खून कैसे? Yeah.
गुड़िया भी आज कहाँ चली गई? कौन है? कौन है? कौन है? रात को इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? सूर्या, यहाँ पर अभी कोई तो था। राधा क्या बकवास कर रही हो? कोई तो नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चुड़ैल को देखा और ये गुड़िया। हाँ क्या क्या गुड़िया? क्या हो यहाँ से? दोगी या भूत बन के खड़ी रहोगी? राधा ये क्या किया तुमने? सारी पेंट खराब कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, आइए मैं आपको दूसरी निकाल दूँ। बस तुम रहने दो, काम ही बढ़ाओगी और खुद कर दूंगा मैं। बहू, ओ बहू, बहू। जी माँ जी। बहू, तुम्हारे मायके से फोन आया है कि तुम्हारी बहन मीरा मीरा की मौत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या हुआ बच्चे? मुझे तो लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, पर ये भी कैसे मुनासिब है? कई सालों से यहाँ कोई जंगली जानवर दिखा ही नहीं है। मैंने कई ऐसे निशान देखे हैं। वही निशान उनके शरीर में भी तो थे। के हाथ में क्या है? ये मैंने कहीं पहले भी देखा है। अरे राधा बेटा,
तू आ गई बहू। मेरा शक सही निकला। ये झुमका इसी गुड़िया का है। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन ये गुड़िया किसी की जान कैसे ले सकती? ये सब कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गुड़िया का चेहरा तो उस टायन से मिलता है, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना? तो वही डायरी है जिसमें वो कहानियां लिखते हैं। इसमें तो कहानियां खून से लिखी हुई है। और फिर टीचर पर चुड़ैल झपट पड़ी। ये तो वही कहानी है जो कल रात नौटंकी में देखी थी। बीवी जी आ। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर साहब ने आपको देख लिया तो सारा घर सर पे ले लेंगे। मैं जानती हूँ गोपी, लेकिन मुझे कुछ जानना है। क्या बीवी जी? क्या तुम मुझे इस बुढ़िया के बारे में कुछ बता सकती हो कि ये कहाँ से थी? देखो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस घर में सिर्फ तुम्हें हो जो मेरी मदद कर सकती हो। साहब, इस गुड़िया को आपकी शादी के एक महीने पहले ही लेके आए थे, और जब से ये गुड़िया आई है ना, साहब की तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ, हमारा रिश्ता एक महीने पहले ही तय हुआ था, पर ये गुड़िया मिली कहाँ से? ये गुड़िया किसी पुरानी दुकान से ले आए। जब से तेरा रिश्ता मेरे बेटे सूर्या के साथ तय हुआ है, हमारे घर में लक्ष्मी की बरसात होने लगी है और इसकी नौटंकी कंपनी भी चल निकली है। हाँ, उनकी नौटंकी कंपनी काफी फेमस हो गई है। बीवी जी, साहब आजकल बहुत बदले बदले से लगते हैं, परेशान भी रहते हैं, हर बात पे ही चिढ़ जाते हैं, जबकि साहब ऐसे बिल्कुल ही नहीं थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये दुकान कहाँ पर है? हाँ जी, बताइए। ये गुड़िया आपकी दुकान से खरीदी गई थी ना?
हाँ, लेकिन एक बार बिक जाने के बाद हम सामान वापस नहीं लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे, मैं इसे वापस करने नहीं आई, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये गुड़िया आपको कहाँ से मिली। देखिए, इस दुकान में बहुत पुराना सामान बिकता है, जगह जगह से आता है, अब क्या पता ये गुड़िया कहाँ से आई है। लेकिन आपके पास कोई तो रिकॉर्ड होगा कि ये गुड़िया, इसका असली मालिक कौन है। देखो बेटा, ये कोई इतना कीमती सामान तो है नहीं जिसका मैं हिसाब रखूं, एक मामूली गुड़िया है। माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आखिरी बस भी चली गई। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनके कमरे में गई थी और गुड़िया भी मेरे पास है, तो अनर्थ हो जाएगा। आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे साथ लाकर। तुमने मेरी बहन की हत्या क्यों की? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? उसे खुद जाकर पूछ लेना कि मैंने उसे क्यों मारा। कब तक भागेगी मुझसे बचकर? नहीं बच पाएगी तू। अब तुम नहीं बचोगी। मेरे पास मत आना। तुम्हें यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है राधा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। देखो राधा, तुम अभी बहुत कमजोर हो, ये लो एक काढ़ा पी लो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पी लो। डायन कहाँ है? वो अभी तुम्हारे घर में उसी गुड़िया में कैद है। तुम उस गुड़िया के बारे में जानती हो? मैं खुद कई सालों से उस गुड़िया को ढूंढ रही थी। आखिरकार उस दुकान में काम करने वाली लड़की ने मुझे बताया कि वो गुड़िया तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आई। पर तुम्हें उस गुड़िया और उस डायन के बारे में कैसे पता है? क्योंकि उस गुड़िया में मेरी बहन गायत्री की आत्मा है। वो डायन तुम्हारी बहन है? हाँ, हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से दिव्य दृष्टि की शक्तियों का समापन है, और यही शक्तियाँ हम दोनों बहनों में जन्म से थी। फर्क सिर्फ इतना था, गायत्री सबसे शक्तिशाली बनना चाहती थी और उसके लिए उसने गलत रास्ता अपनाया। गायत्री ने काले जादू में सिद्धि प्राप्त करने के लिए
कई निर्दोषों की बलि चढ़ाई। वो पहले कहानी लिखती थी, फिर हूबहू लोगों को वैसे ही मारती थी। आपके पास भी तो दिव्य शक्ति है, तो फिर आपने गायत्री को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? गायत्री मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, मैं उसे रोक नहीं पाई। तुमने तो सुना होगा ना, लोहे को सिर्फ लोहा काट सकता है, इसलिए मैं नैना के पास गई। ये नैना कौन थी? नैना काले जादू की सिद्धि से प्रख्यात स्वामिनी थी। वो उसने गायत्री को एक गुड़िया में कैद किया, वही गुड़िया जो गायत्री के पास बचपन से थी। फिर सालों से हम गायत्री को भूल चुके थे, और अब अचानक से तुम्हारे पति ने उस गुड़िया को खरीद कर उसे फिर से जगा दिया है। लेकिन वो गुड़िया से बाहर कैसे निकली? एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हर रात गायत्री तुम्हारे पति को एक नई कहानी देती है, और फिर जब अगले दिन तुम्हारा पति उस कहानी को नौटंकी के माध्यम से प्रदर्शित करता है, तो वो कहानी सच्ची हो जाती है। तुम्हारे पति गायत्री के हाथ में सिर्फ एक कठपुतली की तरह है। पर आखिर उसने मेरे ही परिवार को क्यों चुना? नैना, जिसने गायत्री को उस गुड़िया में कैद किया, वो कोई और नहीं, तुम्हारी दादी है। गायत्री की आत्मा रात को सिर्फ चंद घंटों के लिए ही उस गुड़िया से निकल पाती है। वो उस गुड़िया में तब तक कैद रहेगी जब तक वो तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को ना मार डाले, तभी वो तुम्हारी दादी के दिए हुए श्राप से मुक्त हो पाएगी। इसलिए तुम्हारे पति ने गायत्री के कहने पे तुमसे शादी की, ताकि वो तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश कर सके। तुम्हारी बहन की मौत के बाद अब सिर्फ तुम उसकी मुक्ति के बीच खड़ी हो। हम ये सारी सच्चाई मेरे पति को बता देते और तभी उनके सामने उस डायन का पूरा खेल आ जाएगा। नहीं, देखो, रोज रात को गायत्री तुम्हारे पति के साथ संभोग करती है। उसने अपनी माया जाल में तुम्हारे पति को पूरी तरह फंसा रखा है, फिर उन्हीं के खून से वो कहानी लिखती है। अब तो वो तुम्हारी तो क्या, खुद भगवान भी ऊपर से आ जाएंगे तो उनकी नहीं सुनेंगे। इसका मतलब मेरी शादी सिर्फ एक सफेद झूठ थी। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर ये समय भावुक होने का नहीं है, ये समय गायत्री को रोकने का है। अगर उसे गुड़िया से मुक्ति मिल गई तो प्रलय आ जाएगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे जल्दी जल्दी ना घर जाना चाहिए। अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंची, मेरे पति मुझसे पहले पहुंच गए ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही थी, रेनु का किरदार बिल्कुल मुझ पर आधारित है। कौन है? कौन है? डायन ने रेनु को क्यों मारा? ऐसा कौन सा राज था जो सदियों से छुपा था और अब रेनु को पता चल गया था? इस सब का जवाब कोई नहीं जानता। अंत में एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना है, और शायद कुछ बातों के जवाब हमें उस दुनिया में जाकर मिले। हमें इसका अंत आज रात ही करना होगा। अगर हम सफल नहीं हुए तो इस प्रलय को कभी कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय आ गया है राधा, तुझे मारने के बाद मुझे आजादी मिल जाएगी। रुको बहन, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? नीति का तू? हाँ मैं।
मैं अब तुम्हें और निर्दोषों की जान नहीं लेने दूंगी। रितिका, तू मेरी छोटी बहन है, ना तू मेरी शक्ति का सामना पहले कर पाई थी और ना अब कर पाएगी। हाँ, सालों पहले मैं कमजोर जरूर थी, अब नहीं। राधा को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तो ठीक है रितिका, आज रात तेरी मौत तय है। ता राधा, प्लीज नहीं होगा। राधा जल्दी चलाओ उसे। ये क्या कर रही हो तू? ये क्या कर रही हो तू? ये तूने क्या कर दिया? अब समय आ गया है गायत्री, इसको हमेशा के लिए इस गुड़िया में कैद हो जाओ। फूर फूर स्वाहा, चामुंडा नरपेश, चामुंडा नरपेश, भवानी केतु। फूर फूर स्वाहा, चामुंडा नरपेश, भवानी केतु। फूर फूर स्वाहा। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? मैं प्यार करता हूँ उससे। ये गुड़िया तो मुझे दे, मेरी गुड़िया। सूर्या, इस गाय ने तुम्हें अपने माया जाल में फंसाया, छोड़ दो रितिका को। जाल ये नहीं, जाल ये औरत है। नहीं सूर्या, मेरी बातों पर यकीन करो। सूर्या छोड़ दो, सूर्या, सूर्या। मैंने कहा था रितिका, मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हें ये मंत्र पूरा करना होगा। मैं इसका सामना अब और नहीं कर सकती। चामुंडा नरपेश, भवानी केतु, सर्व सर्व भवानी, सर्व सर्व सर्वनाश, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ। तुम रो क्यों रही हो?